नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर हो चुका है और पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, बट ओवरऑल डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं एग्ज़ाम को। पूरा पेपर स्टेटमेंट बेस्ड था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो, और इसीलिए आंसर की बनाने में थोड़ा समय लग गया है। और आज न्यूज़पेपर में खबर भी आई है कि 50% ही बच्चे प्रेजेंट रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। HCS पूरी तरह UPSC को फॉलो कर रहा है, पूरा पेपर UPSC की तरह ही डिज़ाइन किया गया था। कट ऑफ के बारे में अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है, और जिस तरह का एग्ज़ाम पेपर आया था, फिर भी मेरा ये अंदाज़ा है कि 60 to 65 के अंडर रहनी चाहिए कट ऑफ। देखिए, ये मेरा अंदाज़ा है सिर्फ, आई होप मैं गलत हूँ और 60 ये शायद कम ही जाए, बट फिर भी 60 to 65 के अंडर ही मेरा अंदाज़ा है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। हमारी ओर से आंसर की बन चुकी है और हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देंगे तो वीडियो 2 से 3 घंटे की लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जिस तरह का एग्ज़ाम पेपर आया है और आपका एग्ज़ाम हुआ है, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आई नो वेरी वेल, बट फिर भी हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। आप अपने आंसर से मिला लीजिएगा, अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे तरीके से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। HCS या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमें तुरंत ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेवन्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाइन्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाइन्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेंथ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इलेवेंथ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइनटीन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्वेंटी का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्वेंटी वन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्वेंटी टू का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्वेंटी थ्री का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्वेंटी फोर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्वेंटी फाइव का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्वेंटी सिक्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्वेंटी सेवन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्वेंटी एट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्वेंटी नाइन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्टी क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्टी वन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्टी टू क्वेश्चंस नंबर में हमें डाउट लग रहा है तो इसे स्किप कर देंगे। प्लीज़ आपको पता चले तो कमेंट कीजिएगा। थर्टी थ्री क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्टी फोर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्टी फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्टी एट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्टी क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्टी टू का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्टी थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्टी फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्टी फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्टी सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्टी सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्टी एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्टी नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्टी टू का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्टी थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिफ्टी फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्टी फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्टी सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिफ्टी सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिफ्टी एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्टी नाइन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 में हमें डाउट है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं, 69 पे आ जाएंगे। 69 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 70 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 71 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 72 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 73 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 74 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 75 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 76 का राइट ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर बी 77 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 78 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 79 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 80 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 81 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 82 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 83 का 83 में डाउट है हमें, इसलिए हम इसे भी स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 85 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 86 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 87 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 88 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 89 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 90 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 91 क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 92 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 93 क्वेश्चन में भी डाउट है, इसे भी स्किप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 98 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 100 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। HCS या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी करने के लिए हमें तुरंत ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।